हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 65 यानी कि छठवां टेस्ट पेपर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, पाउही इज द नेम ऑफ ब्लैक होल हुज इमेज गॉट कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी अबाउट द पाउही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पाउही नाम का एक ब्लैक होल हाल ही में जिसका इमेज यानी उसकी तस्वीर ली गई है पहली बार एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, तो उसके संदर्भ में चार स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, इट्स प्रेजेंस वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ बॉडीज विद इट, यानी जो उसके साथ बॉडी जुड़ी हुई है तो उसी के साथ जब जुड़ने पे उसका प्रेजेंस यानी उसकी मौजूदगी पता चली है। इट इज़ ये एक बहुत ही मैसिव ब्लैक होल है M87 गैलेक्सी में, और ये अर्थ से यानी हमें पृथ्वी से 54 मिलियन लाइट ईयर्स प्रकाश की दूरी जितनी है उतनी दूर है। दूसरा है द ब्लैक होल फॉर्म्ड एट द सेम टाइम इन द गैलेक्सी इट इज इन, और ब्लैक होल भी उसी के साथ साथ वहाँ पे बन रहा है उसी गैलेक्सी में। इसको लिया गया है होराइजन टेलीस्कोप से, ध्यान दीजिएगा इसको लिया गया होराइजन टेलीस्कोप से। अ प्रोजेक्ट दैट कनेक्टेड 8 टेलीस्कोप अराउंड द वर्ल्ड। होराइजन टेलीस्कोप वो है जिसमें 8 टेलीस्कोप जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज बीइंग एनुअली रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सा रिपोर्ट एनुअली यानी कि हर साल रिलीज किया जाता है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ये हर साल निकालता है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये IMF निकालता है। इनोवेटिव इंडेक्स है वो वीपो और एक कर्नल यूनिवर्सिटी है वो मिलकर निकालती है। और जो वेज रिपोर्ट है ये ILO निकालता है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्सेनिक पॉल्यूशन। आर्सेनिक पॉल्यूशन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। आर्सेनिक इज एन ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस मेटलॉइड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट। ये एक ऑर्डरलेस है यानी इसमें किसी तरीके का गंध या खुशबू नहीं होती है, साथ ही साथ ये टेस्टलेस भी होता है, इसमें किसी तरीके का कोई स्वाद भी नहीं होता है, और ये अर्थ के क्रस्ट में हर तरफ फैला हुआ है। दूसरा, इन इंडिया आर्सेनिक पोल्यूशन इज प्रीडोमिनेटेड फाउंड इन पेनिनसुला रिवर फ्लोइंग रीजन, यानी कि इंडिया में आर्सेनिक पोल्यूशन खासकर सबसे ज़्यादा पेनिनसुला रिवर यानी कि जो ये हमारा वेस्टर्न एरिया है सेंट्रल हाईलैंड के नीचे वाला जो पोर्शन है महाराष्ट्र तेलंगाना, तो इन सारे एरिया में इसके नीचे में ये ज़्यादातर पाया जाता है, इसका पोल्यूशन होता है। तीसरा है, आर्सेनिक अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट एंड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कहने का मतलब जो आर्सेनिक है वो नेचुरली यानी प्राकृतिक द्वारा पाया जाता है, और कुछ तरह जैसे प्राकृतिक के अलावा ये एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से यानी किसी खेती या फैक्ट्री के वजह से भी पाया जाता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट आर्सेनिक पॉल्यूशन के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 3 ओनली, यानी कि सेकंड वाला गलत है। इंडिया में ये वेस्ट बंगाल झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश असम मणिपुर और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बेसिकली हिमालय रीजन में ये पाया जाता है। एंड आर रिपोर्टेड मोस्ट अफेक्टेड बाय द आर्सेनिक कंटामिनेशन, ये सारी आर्सेनिक कंटामिनेशन से यानी आर्सेनिक की वजह से पॉल्यूटेड हो गई हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज अ प्लांट कॉल्ड कप्पा हाई
कप्पा साइकू सल्वा रेजी ऑफन मैंसनड इन न्यूज़। हाल ही में इसके बारे में सुना होगा कि प्लांट को कप्पा साइक्रू सिल्वा रेजी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो उसका सही आंसर है डी, इट इज़ एन इनवेजिव सीवीड विच स्मदर्स एंड किल्स अदर कोरल रीफ। कहने का मतलब एक इन्वेजिव सीवीड है, यानी घास है जो समुद्र में पाया जाता है, और ये इंडिया का नहीं है, बाहर का है, और इसकी वजह से कई सारी कोरल रीफ्स मर रही हैं। ये इट हैज़ स्प्रेड इट्स विंग टू कोरल रीफ्स एरिया इन वलाई आइलैंड। वलाई आइलैंड जो गल्फ ऑफ मन्नार में, वहाँ तक ये ज़्यादातर फैल चुका है, और इसके वजह से न्यू जो कोरल कॉलोनीज है वो बनने लगी हैं, क्योंकि पुरानी क्या हुई हैं, ये ख़राब हो चुकी हैं, और ये नए नए कॉलोनीज में भी जा रहा है और उनको भी खराब कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस प्रोजेक्ट ओवर द ईयर हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर आवर सोलर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन। सम हैव गॉन बियॉन्ड दिस रिलम्स ऑफ द सन एंड ट्राई टू डिस्कवर प्लैनेट ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम which had intensified the interest in the search of extraterrestrial life. With respect to exoplanetary system, which among the following statement is correct? ये दिया है कि कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट हमने कुछ सालों में पाए हैं, अपने बहुत सारे एक्सप्लोर किए हैं, जो भी हमने अपने अपने मिशंस भेजी थी, इंडिया ने भेजा हो, किसी ने भेजा हो, तो उस तरह से हमने कई बहुत सारे खोज हमने किए हैं, जो कि सूर्य से काफ़ी आगे भी जाके हमने किया हुआ है। इसमें कई सारे ऐसे प्लैनेट मिले हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि वहाँ पर रहने योग्य चीज़ें हमें पाई गई हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम, यानी वो एक्सोप्लैनेटरी बोलते हैं जो कि इससे बाहर होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर, ये एक्सोप्लैनेटरी है, तो उनको कौन सा ये सही है, तो आपको बताना है। सॉरी, एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम होता है जो सन सोलर सिस्टम से बाहर होती है, सॉरी। तो इसका सही आंसर है सी, एक्सोप्लैनेट्स टेम्परेचर कंडीशन इज डिटरमाइंड थ्रू गोल्डीलॉक्स जोन एंड स्नोलाइन कॉन्सेप्ट। यानी कि जो एक्सोप्लैनेट है उनका टेम्परेचर गोल्डीलॉक्स जोन, जो जिसको बोलते हैं, और स्नोलाइन कॉन्सेप्ट होता है, उससे पता चलता है, उससे डिटरमाइन होता है। एक्सोप्लैनेट फाउंड विद द लो ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी नियर सर्कुलर ऑर्बिट आर ऑलमोस्ट ऑल वेरी क्लोज टू देयर स्टार एंड आर टाइडली लॉक्ड टू दी स्टार्स। तो ये काफ़ी स्टार से जुड़ी, यानी तारों से जुड़ी हुई हैं, और कभी कभी उनसे ज़्यादा लॉक्ड भी पाई गई हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिफाइंड अ न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूनेट्स। जो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने एक नए तरीके का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, पाया गया है, खोजा गया है, जिसको उन्होंने प्लूनेट्स का नाम दिया है। और जो सुपर अर्थ इज एन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट विद अ मास हायर देन द अर्थ। तो एक सुपर अर्थ की खोज हुई है जो जिसका मास अर्थ से भी, यानी हमारी पृथ्वी से भी ज़्यादा है, बट सब्सटेंशियली बिलो दोज ऑफ द सोलर सिस्टम्स आइस जायंट। लेकिन आइस जायंट जो सोलर सिस्टम के अलावा पाई जा, मतलब विपरीत अलग से पाई जाती है उनके विरुद्ध, मतलब आगे जो पाके, तो उनसे क्या है, बड़ी हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून विच आर 14.5 एंड 17 टाइम्स अर्थ रेस्पेक्टिवली। जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून है, ये 14.5 और 17 गुना ज़्यादा बड़ा है अर्थ से। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन, यानी कौन कौन से इसमें फैक्टर हैं जो कि समुद्र में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको बांटने में मदद करती है, यानी उनको अफेक्ट करती है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगा उसको वो डिटरमाइन करती हैं। तो पहला ऑप्शन है लैटिट्यूड, सेकेंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, थर्ड है प्रिवेलिंग विंड
एंड फोर्थ है ओशन करंट्स। तो ये चार हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर रेडी 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि सबके सब सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पीएमओ। कौन सा डिपार्टमेंट जो पीएमओ के सीधे कंट्रोल में इनके नियंत्रण में आता है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो उसका सही आंसर है सी 2 एंड 3 ओनली। पहला जो डिफेंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ना कि पीएमओ के अंदर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या होता है? फाउंडेशनल स्पीसीज, बेस, जो यानी सबसे पहले प्राइमरी स्पीसीज जिन्हें को बोला जाता है। इट इज़ अ फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज इन अ इकोसिस्टम, यानी कि ये फंक्शनल रोल प्ले करता है स्पीसीज का इकोसिस्टम में। दूसरा है टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इन द सेम इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी दो अलग अलग स्पीसीज एक सेम निश यानी एक सेम हैबिटेट में, एक सेम बेसिक फाउंडेशनल इकोसिस्टम में रह सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है 1 ओनली, दूसरा वाला गलत है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो अलग अलग स्पीसीज एक नीश में नहीं रह सकती लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल्स ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के कुछ रोल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि चारों ही रोल सही हैं IMF के संदर्भ में, यानी कि चारों ही सही बात है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो है IMF एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 189 कंट्रीज यानी 189 देश पार्ट उसके मेंबर हैं, और ये ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के फील्ड में काम करता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करता है, देशों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है उनके लिए भी काम करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, तो ये सारी चीज़ों के लिए IMF काम करता है, ठीक है। तो उसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको अपना पिछला वीडियो यानी GS पेपर 65 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। आई होप आप सबका सही हो। तो क्वेश्चन था, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट एसोसिएशन, यानी नेशनल मॉन्यूमेंट एसोसिएशन का चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है। तो इसका सही आंसर है ए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी GS पेपर 66 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जीरो और इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो जीरो आवर होता है पार्लियामेंट में, संसद में, वो किस देश से लिया गया आपको बताना है। ए इंडिया, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।